72वें कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, जहां दुनिया भर के तमाम सितारे अपना जलवा बिखेर रहे हैं। तमाम देशों की फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही हैं। गुरुवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कान फिल्म समारोह में भाग लेने वाले देशों के फिल्म आयुक्तों से मुलाकात की। इसी के साथ तमाम भारतीय सितारे पवेलियन का दौरा कर रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता कंगना रनौत ने भारतीय पवेलियन का दौरा किया और तमाम मसलों पर प्रतिनिधिमंडल से बात की। कंगना के साथ ही गीतकार और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी भी वहां पहुंचे। महोत्सव में इस बार भले ही कोई भारतीय फिल्म प्रतियोगिता खंड में नहीं है, लेकिन झारखंड में बनी दो फिल्मों की धमक फिल्म फेस्टिवल में सुनी जा रही है। गुरुवार को फिल्म महोत्सव में हिंदी में बनी लोहर दगा की स्क्रीनिंग हुई। इस मौके पर फिल्म की टीम के लोग मौजूद थे। लोहर दगा बेरोजगार युवकों के नक्सली बनने की कहानी पर आधारित है। 20 साल का लड़का मनु सेना में जाना चाहता है, लेकिन एक एजेंट के चक्कर में फंसकर नक्सली बन जाता है। शर्त होती है कि नक्सली बनकर समर्पण करने के बाद सरकार की पॉलिसी के मुताबिक नौकरी पक्की, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा नागपुरी फिल्म फुलमुनिया भी फिल्म महोत्सव में अपना जलवा बिखेर रही है। फुलमुनिया में झारखंड की डायन बिसाही प्रथा को दिखाया गया है। झारखंड के ज्वलंत मुद्दे पर बनी दोनों फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री को रास्ता दिखाएंगी कि कम बजट और सीमित संसाधन में भी बेहतरीन फिल्में बनाई जा सकती हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने बुधवार को क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की अहमियत पर जोर दिया था और गुरुवार को झारखंड की फिल्मों की स्क्रीनिंग उसी का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।